हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में, जो कि आपकी नई शिक्षा नीति आ रही है, जो कि आपने पढ़ा भी होगा उसके बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019। तो जो 2019 लाई जा रही है नीति, वो आपका 1986 नीति का ही क्या है, अपडेटेड वर्जन है। नया आपका क्या है, वो एक तरीके से उसको अपडेट किया गया है। ओके, तो 1986 में किस किस बातों का ध्यान रखा गया था और किन किन बातों पर उस पर चर्चा की गई थी, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पुरानी शिक्षा नीति है और वो लागू हो रखी है, 2019 वाली अभी लागू नहीं हुई है। तो वो आपका जो टेट का एग्जाम है उसमें आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। तो आपको, क्योंकि आपका क्या है, ये एक तरीके से समझ लीजिए कि नया है सारी चीज़ें, क्योंकि 2019 जो बनाया गया है वो इसी के ऊपर बनाया गया है, तो ये टॉपिक जो होगा वो फोकस में रहेगा, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। तो चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड किस प्रकार का टॉपिक हो सकता है, थियोरेटिकल पोर्शन अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा दोस्तों, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी 1986 थी, उसको बनाने की जो तैयारी चल रही थी वो कब से कर दी गई थी, तो वो आपके 1985 से कर दी गई थी। मतलब 5 जनवरी 1985 को प्रधानमंत्री, जो कि उस समय के श्री राजीव गांधी थे, उन्होंने राष्ट्रीय संदेश दिया था कि वो एक ऐसी शिक्षा नीति लेके आएंगे, जिन्होंने उसने वादा करा था उस चीज का कि जो देश है हमारा भारत, उसको वैज्ञानिक एवं आर्थिक रूप से 21वीं शताब्दी में लेकर जाए। क्योंकि हमारा उस समय पर जो देखा जा रहा, 20वीं सेंचुरी से 21वीं सेंचुरी में जा रहे थे, इसलिए राजीव गांधी जो थे, उन्होंने, जो हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये वादा करा था 5 जनवरी 1985 को। तो उसी शिक्षा नीति के लिए बनाने के लिए कार्य चल गया था और एक और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी, जो कि आपके नेक्स्ट ईयर में जाकर आपका क्या हो गई थी, बनके तैयार हो गई थी। लेकिन उससे पहले इसके लिए सरकार ने 20 अगस्त 1985 को जनता के नाम पर एक पुस्तक जारी करी, और पुस्तक का नाम क्या था, तो शिक्षा की चुनौती एक नीतिगत आयाम था। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आगे चलकर 1 और 2 अगस्त 1986 ध्यान रखिएगा, उसके बाद अगले साल आपका 1 या 2 अगस्त 1986 में नई दिल्ली में इसके आपका पूरा के पूरे प्रोग्राम के लिए, पूरे के पूरे कार्यक्रम के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक हुई थी। ओके, जिसमें आपका 8 अगस्त 1986 को संसद में ये बिल जो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें आपके कितने भाग थे, तो इस शिक्षा नीति में टोटल 12 अध्याय थे, मतलब 12 भाग थे। और इसको लागू करने के लिए आपका अलग से क्रियान्वयन कार्यक्रम बनाया गया था, एक अलग से प्रोग्राम बनाया गया था, जिस प्रोग्राम का नाम रखा था POA, मतलब प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय किसी भी नीति को, किसी भी चीज को लागू करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इसलिए आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी उसके साथ साथ बाकी जो शिक्षा नीति बनेगी आगे चलकर, उसको लागू करने के लिए, आसान बनाने के लिए इन्होंने POA का, यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन का निर्माण किया था, कि सारी की सारी जो नीति बनेगी, जो लागू होगी इसके बाद, जो कि काफी प्रकार की बनी थी, जैसे कि आपकी बिना बोझ की शिक्षा हो गई, या फिर उसके बाद आपकी कैब हो गई, उसके बाद आपकी नई नई शिक्षा नीति संशोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी वो होगी, सारी चीज को लागू करने के लिए क्या करा गया था, एक ऐसा एक्शन प्रोग्राम चाहिए था जो सारी चीज को लागू कैसे करे, आसानी से कर सके, इसलिए इसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन को निर्माण किया गया, बनाया गया, जिस कार्यक्रम में कितने भाग थे, तो टोटल 24 भाग थे। ये क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कितने भाग थे और प्रोग्राम ऑफ एक्शन में कितने भाग थे, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जब ये आपकी 1986 में लागू कर दी गई थी, तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर किस किस बातों के ऊपर ध्यान दिया गया था, तो जैसे कि आज हमारी 2019 की जो शिक्षा नीति है उसमें किस शिक्षा पर बल दिया गया है, तो 5+3+3+4 की शिक्षा पर बल दिया गया है। लेकिन 1986 में जो आपकी शिक्षा थी वो किसके ऊपर बल देती थी, 10+2+3 के शैक्षिक ढांचे के ऊपर बल देती थी, मतलब 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन। और अब कैसी है, तो प्री प्राइमरी और 1 और 2 आपकी अलग है, फिर उसके बाद 3 साल की अलग है, उसके बाद 3 साल की अलग है, और फिर लास्ट में 4 साल की अलग है, जो कि 1 से लेकर 12वीं तक की जो शिक्षा है वो मुफ्त और अनिवार्य करने की बात करी गई है, लेकिन यहां पर केवल 1 से लेकर 8वीं तक की बात की गई थी। ओके,
नेक्स्ट है प्लस टू यानी कि 12वीं 11वीं 12वीं में जो आपकी शिक्षा होनी चाहिए थी वो कैसी होनी चाहिए थी, व्यवसायीकरण शिक्षा दी जानी चाहिए थी। मतलब ऐसी शिक्षा जो बच्चा अपने ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कोई ना कोई व्यवसाय का कार्य शुरू कर सके, यानी कि रोजगार एवं जनशक्ति योजना से डिग्री से की संबद्धता, ऐसी संबद्धता ऐसा ज्ञान जो कि बच्चा क्या कर सके, अपना रोजगार अपनी जनशक्ति खुद विकसित कर सके। साथ ही साथ में बाल केंद्रित शिक्षा चले, मतलब ऐसी शिक्षा जो बच्चे की रुचि अरुचि योग्यता आवश्यकता के अनुसार चले। साथ ही साथ में सतत एवं व्यापक आकलन पदनीति लागू हो, यानी कि बच्चे के शैक्षिक पक्ष और बच्चे की कक्षा के बाहर शैक्षिक पक्ष दोनों का ध्यान रखा जाए, और समावेशी शिक्षा लागू हो यानी कि सारे बच्चों की शिक्षा एक साथ लागू हो। ये कुछ मुख्य विशेषता थी इसकी। और इसके साथ ही साथ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी चलाया गया। अब ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्राथमिक विद्यालय के आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था। मतलब जो आपके प्राथमिक विद्यालय थे उन विद्यालयों के लिए टीचर्स हो, कमरे यानी कि रूम्स हो, या टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो, इन प्रकार की आधारभूत सुविधाएं प्राथमिक विद्यालय को प्राप्त कराने को ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहा जाता है। डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से तात्पर्य क्या है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से तात्पर्य आपके प्राथमिक विद्यालय के लिए आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना। ओके, चाहे वो आपके टीचर्स हो, रूम्स हो, या टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो। और ये जो आपकी पूरी की पूरी शिक्षा नीति चल रही थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, वो कब तक चली थी आपकी, ये आपकी 1987 से लेके 95 तक ये कार्यक्रम केवल कहाँ तक था, प्राथमिक मतलब प्राइमरी स्कूल तक चला था। लेकिन उसके बाद 1995 यानी कि 1995 में उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी इसको शामिल कर लिया था, मतलब 6 to 8 के लिए भी इसको शामिल कर लिया था। ये पहले केवल प्राथमिक के लिए था। ओके, फिर कुछ समय बाद इसको 1 अप्रैल 2002 को यह कार्यक्रम जो था वो सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ लिया गया था, SSA जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हो, उसमें जोड़ लिया था। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड या इस प्रकार की बाकी सारी चीज़ों को 1 अप्रैल 2002 में सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ लिया था। जो कि आपने देखा होगा प्राथमिक विद्यालय के ऊपर एक पेंसिल के ऊपर दो, आगे एक लड़का और पीछे एक लड़की बैठे रहते हैं, इसका एक साइन होता है सर्व शिक्षा अभियान का, तो उसके अंदर आपके सारी के सारी ये चीजें जोड़ ली गई थी। और इसी के साथ साथ शिक्षा नीति जो थी आपकी 1986 में, उसमें कहा गया था नवोदय विद्यालय खोले जाएं, मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाएं, जो कि कहाँ से कहाँ तक होता है आपका, तो 6 to 12 तक यानी कि 6ठी से 12वीं तक होता है। और इन विद्यालयों को क्या कहा जाता था, तो इन विद्यालयों को शिक्षा की गति निर्धारण कहते थे। डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नवोदय विद्यालय को खोलने के पीछे उद्देश्य क्या था, तो शिक्षा में गति लाना उद्देश्य था, जिसमें जो कि आपके ग्रामीण इलाके के यानी कि गांव के इलाके के 75% बच्चे और शहरी इलाके के 25% बच्चे पढ़ सकते थे, लेकिन कौन से, मेधावी बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे। तो ध्यान रखिएगा परसेंटेज को कि गांव के मेधावी 75% और शहर के मेधावी 25% बच्चों को वहां पर आपको क्या मिल सकता था, एडमिशन मिल सकता था, परिवेश मिल सकता था, जिसमें आपके प्रति जिले में एक स्कूल होने की राजीव गांधी ने बात करी गई थी, जिसमें आपके टोटल जो स्कूल खोले जा चुके हैं वो 598 खोले जा चुके हैं और 62 और नए स्कूल खोले जाने की प्रस्तावना है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि राजीव गांधी ने कहा था उस समय पर कि प्रत्येक जिले में क्या होना चाहिए, आपका एक विद्यालय आवश्यक होना चाहिए नवोदय। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा नवोदय विद्यालय खोले गए, तो ध्यान रखिएगा राजीव गांधी के समय पर सबसे ज्यादा नवोदय विद्यालय खोले गए थे। ओके, और इसकी जो आपकी प्रवेश परीक्षा होती है, मतलब एंट्रेंस टेस्ट जो होता है आपका नवोदय विद्यालय का, वो किसके द्वारा लिया जाता है, तो NCERT के द्वारा लिया जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, मतलब प्रवेश परीक्षा होती है, वो किसके द्वारा ली जाती है, तो NCERT के द्वारा ली जाती है। और ये कब फाउंड हुई थी, मतलब कब बनी थी, नेशनल काउंसलिंग एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जिसे आप बोलते हैं उसकी फुल फॉर्म, तो वो 1961 में बनी थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। और इसके साथ साथ में आपका NTSE यानी कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम जो होता है वो 10वीं क्लास के लिए, उसका भी परीक्षा जो ली जाती है वो NCERT के द्वारा ली जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा आपका 1986 का शिक्षा नीति थी, जो कि इसको बदलाव करके आप नई शिक्षा नीति लाई जा रही है 2019 में। तो कई बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर एक बार पुरानी वाली शिक्षा नीति बता दीजिए कि किन किन बातों पर गौर किया गया था, तो आप देख सकते हो किन किन बातों के ऊपर गौर किया गया था। ओके,
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपने इस आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।